व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? आ चुका हूँ एक और मस्त नई वीडियो लेके। और इस वीडियो में मैंने पहली बार इतनी अच्छी और इतनी मतलब लिटिल बिट ऑफ रियलिस्टिक ड्राइंग बनाई है। आप लोग को बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में। और ये जो क्लिप आप देख रहे हो, ये पुराने वीडियो का जिसमें हेयर ट्विटर था, आप लोग को याद होगा। तो ये मैं पहले डाल चुका हूँ, उसमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं आया। एक ही दिन हुआ है वैसे तो, 90 व्यूज़ आ चुके हैं उसमें, मैं अच्छा लगा। बट एक भी सब्सक्राइबर ने सब्सक्राइब नहीं किया जिसने वीडियो देखा। तो इसमें वैसे मत करना, इसमें ये चीज़ थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। बट अगर आप पिछला वीडियो देखोगे तो उसमें आपको बहुत ही डिटेल के तरीके से बताऊँगा मैं हेयर को कैसे रियलिस्टिक ड्रॉ किया मैंने विथ चारकोल पेंसिल और थोड़ा सा कैमलिन पेंसिल का यूज़ करके। तो उसको भी देख लेना, फिलहाल इस वीडियो को इन्जॉय करो। अब यहाँ पर हेयर अपना कम्प्लीट होने वाला है, बहुत ही अच्छी तरीके से रियलिस्टिक हेयर बना चुका हूँ मैं। और अगला मैं बनाऊंगा कुछ नहीं, अब अगला मतलब अगले में फेस ड्रॉ करेंगे अपन। और फेस आप लोग जानते हो, लेयर बाय लेयर शेडिंग करता हूँ। और हेयर में भी मैंने वही किया, लेयर बाय लेयर शेडिंग किया। तो अभी आप लोग को ये देखो, इसमें देखने मिल जाएगा लेयर बाय लेयर शेडिंग। देखो जैसे मैंने पहले जो ड्रॉप थे वो मिटा लिया, अब मैंने 2B के और HB के साथ ड्रॉ करना स्टार्ट किया शेडो, मतलब उनका डिटेलिंग वर्क 4B के साथ किया, जो भी डार्क एरिया थे। और लाइट एरिया को HB के साथ किया। और जो इनके गॉगल्स देख रहे हो, बहुत ही सही हैं। और आप में से कुछ लोग बोलोगे कि यार इनके गॉगल्स तो टेढ़े बनाए हों आप, मतलब थोड़ा अलग तरीके से बनाए। बट अगर आप प्रेफरेंस फ़ोटो में देखोगे तो वो उसी तरीके से थे, तो जैसे थे मैंने वैसे ही बनाने की पूरी कोशिश की है। अगर आप लोग कोई भी दिक्कत आ रही है तो आई एम सो सॉरी। और अगर आप लोग को जानने में कौन सा पेपर यूज़ करता हूँ, जो एकदम रेगुलरली फॉलो करते हैं एक दो जन, उनको पता होगा मतलब कि पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा पेपर के ऊपर। फ़िलहाल आप लोग मुझे बता देना कि आप लोग को जानना है कि नहीं कि कौन सा पेपर यूज़ किया मैंने। और पेपर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि आप देख रहे हो रियलिस्टिक व्यू उसी से आता है, पेपर से। तो होप करता हूँ आप लोग को वीडियो में मज़ा आएगा। और ये टेढ़ा है मत सोचना गाइस, थोड़ा कैमरा उसी के हिसाब से था। बट वीडियो इन्जॉय करना गाइस, पूरा अच्छी तरीके से डिटेलिंग बताऊंगा। और आपको तो पता है मैं ब्लेंड हमेशा ब्रश के साथ करता हूं, और जहां पे भी डिटेलिंग किया हूं मैं वो 4B के साथ हाईलाइट किया हूं उस जगह को, और जो छोटी छोटी जगह थी उनको HB के साथ किया हूं। और कुछ कुछ गलतियां सुधार रहा हूं मैं, बहुत ही अच्छा ड्राॅइंग बना इस बार मेरे से, तो आई एम सो हैप्पी। बट मुझे मालूम है इस वीडियो में भी शायद ही थोड़ा बहुत सपोर्ट आएगा, हर बार वैसे ही हो रहा है यार, कोई सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं यार। आप लोग एक बार शेयर कर दो यार, कम से कम जो 50-60 लोग देखते हो, एक बार शेयर दबा दो यार प्लीज़। लाइक भले मत दबाओ, सब्सक्राइब दबाओ या ना दबाओ, ठीक है यार दबा दो सब्सक्राइब प्लीज़ यार। बट शेयर ज़रूर करना एक बार बस कि सबके साथ। और मैंने ना मतलब मैं सोचा था कि मैं गॉगल्स को और अच्छे तरीके से बनाऊंगा, बट मेरे पास मोनोज़ीरो इरेजर नहीं था, वो उसका भी स्टॉक आ ही नहीं रहा मार्केट में। तो यार होप करता हूँ आप लोग को मज़ा आएगा। 6 मिनट की वीडियो है, कोशिश करता हूँ कि मतलब कम से कम टाइम की बनाऊँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरा देखें वीडियो, बट नहीं देखते मालूम है बात। तो यार और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा मैं वीडियो को, और सजेशमेंट देते रहना कि कैसा कैसा चाहिए आप लोग को। तो होप करता हूँ कि आप लोग को मज़ा आएगा, इंजॉय करो पूरा वीडियो, और आखिरी तक देखना तभी समझ आएगा कि कौन है शाहरुख खान लग रहा है कि नहीं। पहले से जज मत करना ड्राइंग को प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है। तो चलो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने इसमें उनकी जो दाढ़ी है वो कैसे बनाई, क्योंकि उसके लिए मैंने बता दूँ आपको 2B की पेंसिल, 4B की और 6B की यूज़ की है, नहीं 4B की नहीं की है, 2B, 6B और 10B का यूज़ किया है बहुत ज़्यादा डार्क जगह के लिए। तो कोशिश किया हूँ बहुत ही अच्छा बनाने की। थंबनेल देख के आपको पता चलेगा वो शाहरुख खान ही है, मतलब हेयर से पता चल रहा है मेन तो उनका। तो चलो गाइस इंजॉय करो आप लोग वीडियो, मैं आता हूँ एक और नई वीडियो लेके अगले वीडियो में, मतलब अगली ड्राॅइंग लेके नया नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग पूरा देखना, रुक जाओ यार जाओ मत, पूरा देख लो। अभी देख लो जो मेन दाढ़ी है उनका मैंने कैसे बनाया, बहुत ही डिटेलिंग से करके बनाया हूँ। होप करता हूँ आप लोग को मज़ा आएगा, एक बार शेयर दबा देना जाने से पहले। तो थैंक्स गाइस, वॉच करो पूरा वीडियो, देखो फिर ही समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।